हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रानी 7 के एक्सबॉक्स एंड एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करने जा रहे हैं WWE की होने वाली अगले साल की रेसलमेनिया 39 के बारे में। और आज इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम मैचेस के हवाले से बात करूंगा जो कि हमें अगले साल रेसलमेनिया के अंदर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो अभी कोई भी मैच ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि रेसलमेनिया में काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन ये सारे वो तमाम मैचेस हैं जिनके रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर लॉजिकली मतलब बात करें तो इनकी स्टोरी लाइन किसी न किसी तरीके से हमें स्टार्ट हुई होती हुई या इंट्रोडक्शन होती हुई इन सुपर स्टार की ऑलरेडी मतलब दिखाई दे चुकी है। और रूमर्स इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये मैचेस जो हैं हमें अगले साल रेसलमेनिया यानी कि ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है या इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो के लाइक का टारगेट जो रखा है वो 50 रखा है। और मैं देखता हूँ क्या आप लोग ये टारगेट पूरा कर पाते हैं और क्या आप लोगों को ये मैचेस अगले साल रेसलमेनिया में देखना पसंद करेंगे, या आपको ये मैचेस ऐसे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि ये मैचेस अगले साल हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैच के बारे में बात करूंगा। ये मैच जो है हमें एक सिंगल और वन ऑन वन मैच देखने को मिलेगा, और ये मैच होगा एक न्यू WWE के सुपर स्टार जो कि अपना करियर बना रहे हैं, और एक ऐसे सुपर स्टार के दरमियान जो कि ऑलरेडी WWE के अंदर एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, हमें ये मैच कुछ अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि जॉन सीना वर्सेस फ्यूचर जॉन सीना कहूँ तो ये शायद गलत ना होगा, क्योंकि WWE के पुराने बॉस का ये ख्याल थे कि विंस मैकमैन के मुताबिक ऑस्टिन थ्योरी जो है वो एक न्यू जॉन सीना है। और ये मैच होगा जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के दरमियान, जो कि हमें एक तरीके से पासिंग ऑफ अ कॉर्च टाइप का मैच देखने को मिल सकता है। और इस मैच के रूमर्स ओरिजिनली समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर थे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि समर स्लैम तो हो चुका है और समर स्लैम के अंदर हमें यह मैच देखने को नहीं मिला। और विंस मैकमैन भी अपनी जगह से जा चुके हैं, WWE से जा चुके हैं, लेकिन अगर विंस मैकमैन WWE के अंदर अभी भी होते या अगले साल की रेसलमेनिया तक होते तो विंस मैकमैन के प्लान ये थे कि जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का अगले साल रेसलमेनिया 39 के अंदर एक मैच बुक किया जाएगा, जो कि एक तरीके से पासिंग ऑफ अ कॉर्च मैच होगा। और तब तक ऑस्टिन थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुश, मतलब उनको पहले भी बड़ा अच्छा पुश मिल रहा है, लेकिन उनको तब तक और बड़ा सुपरस्टार के तौर पे बना दिया जाएगा ताकि वो जॉन सीना को उनके लेवल तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उनको मुकाबला और उनको एक टक्कर दे सकें। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो इस मैच के रूमर्स तो बिल्कुल बहुत कम है, मतलब 1% ही हैं, लेकिन ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। अगर मिला मतलब अगर ये मैच होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन सकता है। और ये मैच होगा WWE की रॉ और स्मैकडाउन की अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप्स के लिए, जहाँ पर उसोस जो हैं वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन। अब ये मैच इंटरेस्टिंग क्यों हो सकता है, और अगर WWE ये मैच बुक करती है, अगर इस मैच को बिल्ड करती है, तो इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो सकता है कि अभी तक रॉ और स्मैकडाउन दोनों के ऊपर जितनी भी टैग टीम डिविजन्स हैं वो उसोस से लड़ चुकी हैं, उसोस से चैम्पियनशिप के लिए भी मैचेस लड़ चुकी हैं, सिंगली भी लड़ चुकी हैं, और वन ऑन वन मैचेस जैसे कहें वो भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसोस जो हैं वो हर दफ़ा हर टैग टीम को मतलब हराते आए हैं। और जब से रोमन रेंस के साथ उन्होंने मर्ज किया, मतलब ब्लड लाइन अपनी बनाई है, तब से अब तक उसोस जो हैं वो हर टैग टीम को हराते आ रहे हैं, चाहे वो मैट रिडल रैंडी ओरटन की हो। तो अब मतलब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इतनी मतलब बड़ी बड़ी टैग टीम्स को वो हरा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है फैंस भी कोई न्यू फेसेस देखना चाहते हैं। और सैमी ज़ेन और केविन ओवंस वो एक ऐसे टैग टीम बन सकती है, और इन्होंने पहले भी रेसलमेनिया के अंदर एक टैग टीम मैच लड़ा हुआ है डेनियल ब्रायन और शेन मैकमैन के खिलाफ रेसलमेनिया 34 के अंदर। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि ये दोनों कनाडा से हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं, इन्होंने NXT के लिए भी करके अप्लाई किया था और फिर इनकी अच्छी फ्यूड भी चली थी। तो अगर ये दोनों अपनी दोबारा से टैग टीम बना के उसोस को चैलेंज करते हैं तो ये चीज़ देखना बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इस सूरत हाल में WWE किसको मतलब ज़्यादा पुश देती है। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया 39 के अंदर, ये हो सकता है एक रिटायरमेंट मैच, और ये रिटायरमेंट मैच किसी और का नहीं बल्कि बिल गोल्डबर्ग का हो सकता है, क्योंकि बिल गोल्डबर्ग का जो लास्ट मैच था अभी तक वो रोमन रेंस के अगेंस्ट था, और उन्होंने उसके बाद हैंक किए थे कि जैसे वो रिटायर हो गए हैं,
लेकिन क्योंकि WWE का हमेशा ये मानना है कि जब भी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट हो तो वहाँ पे गोल्डबर्ग जैसे बड़े सुपरस्टार जो हैं वो अपना रिटर्न करते हैं, और WWE को ज़्यादा किकिंग्स को सेल करने में और रैंकिंग बढ़ाने में काफ़ी वो हेल्पफुल होते हैं। वैसे अब तो कोहली न्यू क्रिएटिव टीम है ट्रिपल एच के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के कोई चांसेस होंगे, लेकिन अगर ये मैच होता है तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये मैच होगा एक्चुअली गोल्डबर्ग वर्सेस एज, स्पीयर वर्सेस स्पीयर, हॉल ऑफ फेमर वर्सेस हॉल ऑफ फेमर। और मतलब गोल्डबर्ग के बाद पहली बार कोई अगर WWE का सुपरस्टार जिसने स्पीयर को इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया था तो वो एज थे। रोमन रेंस तो 2012 में आए थे और एज तो रोमन रेंस से बहुत पहले के रेसल्स कर रहे हैं, मतलब रेसलिंग कर रहे हैं WWE के अंदर। तो स्पीयर को गोल्डबर्ग के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया था तो वो रेटेड आर सुपरस्टार एज थे। और अभी तक इन दोनों का कभी भी सिंगल्स मैच किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर या किसी भी पेपर व्यू के अंदर हमें नहीं देखने को मिला, इवन के कोई कॉन्फ्रंटेशन भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो अभी तक गोल्डबर्ग और एज का आपस में कभी कोई कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं हुआ। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर WWE WrestleMania 39 जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर इन दोनों सुपरस्टार का मैच बुक करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच बन सकता है। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ ये भी एक सिंगल्स मैच है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा दी ऑल माइटी बॉबी लैशली और द बीस्ट किंग कॉर्निक ब्रॉक लेसनर के दरमियान। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें यह मैच पहले ही एक दफ़ा रॉयल रंबल इस साल के रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिला था, लेकिन रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर वो मैच हार गए थे और मतलब उस तरह इस मैच का मज़ा नहीं आया था। जिस तरह बिल्ड तो बहुत अच्छा था जहाँ ब्रॉक लेसनर अपने प्रोमो खुद भी कट कर रहे थे, लेकिन फैंस अभी भी इन दोनों का एक और सिंगल्स मैच विदाउट एनी इंटरप्शन और कोई भी चैंपियनशिप के बगैर देखना चाहती है। तो मेरे ख्याल से WrestleMania 39 का वो स्टेज हो सकता है जहाँ पर बीच किंग कॉर्निक जो है वो अपना रिटर्न भी करें और बॉबी लैशली को एक सिंगल्स वन ऑन वन मैच के लिए चैलेंज भी करें और ये काफ़ी बड़ा मैच WrestleMania के लिए बन सकता है। इसके अलावा जो अगला मैच जिसके काफ़ी रूमर्स पहले से ही थे लेकिन वो मैच हुआ नहीं क्योंकि WWE के ओरिजिनल प्लान इसी स्टोरी लाइन को बिल्ड करने के थे से कुछ टाइम पहले, मतलब एक साल अगर मैं कहूँ, लेकिन क्योंकि फैंस ने उस टीम को पसंद इतना किया कि WWE ने अपने प्लान चेंज कर दिए और उसको मतलब उस कैक टीम को सेपरेट करने के बजाय उसे एक कैक टीम ही लेके चलते रहे। जी अभी तक आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मैट रिडल वर्सेस रैंडी ओकन के मैच की। और ये मैच हमें अगर मेरे ख्याल से पिछले एक साल से WWE इस चीज़ को हिंट कर रही थी कि मतलब शायद मैट रिडल रैंडी ओकन के ऊपर टर्न कर जाए या रैंडी ओकन जो है वो मैट रिडल के ऊपर टर्न कर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि फैंस ने इन दोनों की कैक टीम को इतना पसंद किया कि WWE एक्चुअली अपने प्लान्स को चेंज करने पर मजबूर हो गई और फिर इन्हें रॉ कैक टीम चैंपियन भी बना दिया गया। जैसे कि भी आप लोगों को पता है कि हमें समर स्लैम के लिए भी ओरिजिनली रैंडी ओकन और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलना था, लेकिन क्योंकि रैंडी ओकन जो है वो इंजरी की वजह से आउट हो गए हैं और अगले साल रॉयल रंबल के आसपास ही रैंडी ओकन अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उससे पहले उनके चांसेस बहुत कम हैं। और अब मैट रिडल को भी कैफे इंजरी की वजह से इन्होंने साइड पे कर दिया है, तो हो सकता है ये एक WWE जो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ट्रिपल एच की क्रिएटिव टीम है तो आने वाले टाइम के अंदर जब ये दोनों सुपरस्टार एक साथ इतना अच्छा काम कर सकते हैं कैक टीम के तौर पर, तो जब ये एक दोनों के अगेंस्ट जाएंगे तो ये शायद और भी कमाल करेंगे। और ये मैच अगर WWE इतने टाइम से होल्ड कर रही है तो मेरे ख्याल से WrestleMania 39 से बेहतर और कोई प्लेस हो नहीं सकता जहां मैट रिडल और रैंडी ओकन का मैच जो है वो बुक किया जाए और मैट रिडल को जो है वो एक और मतलब स्टेज, बड़ा स्टेज उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो WrestleMania के अंदर रैंडी ओकन जैसे बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट रेसल करेंगे। आप लोगों का इस मैच के हवाले से क्या ख्याल है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ ये मैच ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझें क्योंकि ये मैच जो है हमें देखने को मिलेगा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और कोडी रोड्स के दरमियान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोडी रोड्स भी जो हैं वो अभी रिसेंटली इंजरी की वजह से WWE से आउट हुए हैं और उनके भी रूमर्स यही हैं कि वो हमें अगले साल रॉयल रंबल के आसपास रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे या फिर एग्जैक्ट रॉयल रंबल के अंदर ही रिटर्न करेंगे। इस मैच के हवाले से डाउट्स यहाँ पर हैं कि अगर WWE कोडी रोड्स को वो सुपरस्टार के तौर पे देख रही है कि जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करें उनकी चैम्पियनशिप से, मतलब उनके यूनिवर्सल टाइटल से, तो फिर तो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के इन फ्यूचर मैच होने के चांसेस बहुत कम है WrestleMania 39 के अंदर। लेकिन
अगर WWE WrestleMania से पहले ही रोमन रेंस से दोनों टाइटल देना चाहती हैं या कोई एक टाइटल ड्रॉप करवाती है ताकि वो WWE चैम्पियनशिप या यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए एक अलग सुपरस्टार के लिए एक अलग स्टोरी लाइन को ब्रेक कर सके, तो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि WWE की नज़र में एक परफेक्ट सुपरस्टार भी होंगे और इस तरह WWE दो बड़े मैचेस करवा पाएगी अगर इस स्टोरी लाइन के साथ चलते हैं। पहला मैच ये होगा जहाँ सेथ रॉलिंस जो हैं वो कोडी रोड को फेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोडी रोड अपना रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करते हैं, रॉयल रंबल जीत के वो सेथ रॉलिंस के को WWE चैम्पियनशिप के लिए या फिर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा और हमारी वीडियो का जो लास्ट मैच जो कि मैं वीडियो के अंदर मैंने रखा है वो है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। अभी तो अगर हम देखें जिस हिसाब से WWE रोमन रेंस को बुक कर रही है तो इस वक्त तक तो रोमन रेंस के पास दोनों ही टाइटल हैं और मुझे नहीं लगता कि अगले साल से पहले WWE ये दोनों चैम्पियनशिप रोमन रेंस से लेगी, कोई एक शायद ले ले लेकिन यूनिवर्सल चैम्पियनशिप तो रोमन रेंस के पास ही रहने वाली है। तो अगर WWE इसी स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती है तो अगर से दोनों टाइटल रोमन रेंस के पास होंगे और फिर कोडी रोड्स अपना रॉयल रंबल में रिटर्न करके रॉयल रंबल जीतते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से हमें जो सीधा मैच देखने को मिलेगा वो होगा रोमन रेंस और कोडी रोड्स के दरमियान। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस किसी तरीके से रोमन रेंस से कोई एक चैम्पियनशिप लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें डेफिनेटली WrestleMania 39 के अंदर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा। ये दो मैचेस हैं जिनके हवाले से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ और डेफिनेटली आप लोगों के भी माइंड में ये आ गया होगा कि जब कोडी रोड इनफैक्ट जब कोडी रोड ने अपना रिटर्न किया था तो तभी से ये रूमर्स आना शुरू हो गए थे कि कोडी रोड ही वो सुपरस्टार होंगे जो रोमन रेंस से चैम्पियनशिप्स लेंगे। वैसे तो रॉक के आने के भी रिटर्न की काफ़ी खबरें थी लेकिन रॉक को रोमन रेंस से लड़वाने के बाद रॉक को चैम्पियन बनाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रॉक ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एक लेजेंड है WWE के अंदर और उनके इतने मैचेस आगे हैं नहीं और उनके इतना आगे करियर WWE के अंदर है नहीं और WWE को इस वक्त एक बड़े सुपरस्टार की ज़रूरत है जो कि रोमन रेंस की तरह WWE को एक फेस के तौर पे लेके चल सके। और कोडी रोड्स ने अपने रिटर्न के बाद जिस तरह के WWE को मतलब टी शर्ट सेल्स में प्रोडक्ट सेल्स के अंदर फ़ायदा दिया था तो WWE कोडी रोड्स को रोमन रेंस के बाद सेकंड अपनी कंपनी का बड़ा सुपरस्टार फेस के तौर पे देख रही थी। तो क्या WWE अब इसी प्लान के साथ चलेगी जहाँ पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिलेगा WrestleMania 39 के अंदर या फिर हॉलीवुड थीम की वजह से रॉक और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा हमें यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए और WWE चैम्पियनशिप के लिए कोडी रोड्स जो है वो चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को। वैसे आप लोगों का इन मैचेस के बारे में क्या ख्याल है ये मैंने कोई प्रॉपर आप लोगों को डिटेल इस वजह से दी है क्योंकि ये सारे जो मैचेस हैं जितने भी प्रॉपर मैचेस हैं इन सब की कोई ना कोई स्टोरी लाइन बन रही है और इन सब मैचेस की कोई ना कोई एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हमें ये मैचेस अगर होते हैं तो ये मैचेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने इन मैचेस को सिलेक्ट किए हैं, थोड़े से मैचेस हैं क्योंकि कू नाइट WrestleMania का इवेंट होगा तो इस वजह से मैंने अभी ये उस हिसाब से बहुत कम मैचेस हैं लेकिन ये वो मैचेस हैं कि अगर ये होते हैं तो WrestleMania मतलब एक बहुत सुपर हिट शो बन सकता है। आप लोगों का इन मैचेस के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।